हेलो एवरीवन, सुमितास किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डिश छोले कीमा। तो शुरू करते हैं बनाना। छोले कीमा बनाने के लिए 200 ग्राम काबुली चने को 7 घंटे के लिए भिगो कर रखा था, फिर 1/2 टीस्पून नमक डालकर प्रेशर कुकर में 6 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया। 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, 2 बड़े टमाटर बारीक कटे हुए, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च। सूखे मसाले में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर। मैंने 150 ग्राम चिकन कीमा लिया है। बोनलेस चिकन को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। पैन में तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। थोड़ी देर भूनेंगे, फिर प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ब्राउन होने तक भूनना है। अब 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से प्याज जल्दी पक जाता है। प्याज भून चुका है, अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया था। 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, अच्छे से मिलाएंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, सब मसाले अच्छे से मिलाएंगे। फिर डालेंगे हरी मिर्च। इसके बाद टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और 1 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि टमाटर मैशी हो जाए। टमाटर मैशी हो गया है, अब चिकन कीमा डाल देंगे। कीमा को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। कीमा भून चुका है, अब 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद देखिए मसाले में से तेल निकल आया, इसके मतलब मसाले अच्छे से भून चुका है। अब उबले हुए छोले डाल देंगे और कुछ देर तक भूनेंगे। अब छोले का जो स्टॉक है वो डाल देंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिलाएंगे अच्छे से। अब 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। पांच मिनट हो चुका है, छोले कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। मिलाएंगे अच्छे से। छोले कीमा बनके तैयार है। रोटी पराठा और नान के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें।
रेसिपी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।